दोस्तों बजाज कंपनी के बारे में आप सब जानते होंगे कि एक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है, जहां से आप बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, फैन, एसी, कूलर और भी बहुत सारी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जो कि आप खरीद सकते हैं। और भारत में ये काफी ज्यादा फेमस कंपनी है। इसकी बजाज पल्सर की बाइक को भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजाज कंपनी का मालिक कौन है और बजाज किस देश की कंपनी है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बजाज कंपनी का मालिक कौन है और बजाज किस देश की कंपनी है। दोस्तों बजाज कंपनी को लगभग हर कोई जानता है और आज के समय में हर किसी को घर में बजाज कंपनी की प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बजाज काफी लंबे समय से भारत में है और वर्तमान समय में काफी सफल भी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि बजाज के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बजाज कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है और भारत में दूसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है, क्योंकि इनके हर बाइक की बनावट काफी शानदार होती है। और आज के समय में हर कोई बाइक रखना चाहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वह पैदल चलना नहीं चाहता है, यदि थोड़ी सी दूर भी कहीं जाना हो तो वह बाइक से ही जाना पसंद करते हैं। जिस समय बजाज कंपनी की शुरुआत हुई थी, उस टाइम बहुत कम कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही थी, इसीलिए इस कंपनी की काफी सालों से मार्केट में एक अच्छी छवि बनी हुई है। काफी साल पहले शुरू हुई बजाज कंपनी आज भारत और अन्य देशों में काफी लोकप्रिय है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बजाज कंपनी का मालिक कौन है। बजाज कंपनी का मालिकाना हक जमनालाल बजाज को जाता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1989 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था और वे अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में उनके पोते ने इस कंपनी को चला रहे हैं और उनके पोते राजीव बजाज ने बजाज कंपनी में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। इनका जन्म 21 दिसंबर 1966 में हुआ था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बजाज किस देश की कंपनी है। बजाज भारत देश की कंपनी है और बजाज ऑटो बजाज ग्रुप का एक हिस्सा है। बजाज कंपनी का स्थापना 1926 को जमनालाल बजाज ने की थी, जिसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है।